व्यवस्था का जिक्र उल्लेख और लोगों को जागरूक जरूर करेंगे। और अब आगे बढ़ते हैं, जो खास मेहमान हमारे साथ वो हैं कैलाशानंद गिरी जो है आचार्य महामंडलेश्वर निरंजन अखाड़ा, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। क्या मेरी आवाज आपको मिल रही है? आपकी आवाज आ रही है सर। मेरा जो महाराज जी पहला सवाल, जी महाराज जी पहला सवाल आपसे यही है कि आज जब आप गंगा में जाते हैं, स्नान करने के लिए जाते हैं, आचमन करने के लिए जाते हैं, तो ये क्या गंगा आपको शुद्ध लगती है या फिर नहीं? क्योंकि परंपराएं तो हम सदियों से चले आ रहे हैं, तो औद्योगिक विकास जब से हुआ है उसके बाद से स्थितियां और ज्यादा खराब हो गई हैं, तो जिम्मेदार कौन है इसके? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। गंगा जी का जो जल है, गंगा जी की जो निर्मलता है, वो पूर्ववत नहीं, पूर्व की भांति नहीं। और आज हरिद्वार के उत्तराखंड को अगर हम छोड़ देते हैं, तो अगर हम नीचे हम बिहार के अन्य जिलों में जहाँ से गंगा जी जाती है, अगर मैं वहां जाकर देखता हूँ, वहां जाकर मैं देखना चाहता हूँ, तो गंगा बिल्कुल वहाँ शुद्ध नहीं है, गंगा वहाँ बिल्कुल निर्मल नहीं है, गंगा वहाँ बिल्कुल स्नान और आचमन और गंगा का वह दृश्य नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे समय ऐसा बीतता जा रहा है, ऐसा आता जा रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गंगा हमारी बिल्कुल जो गंगा जी की निर्मलता है, गंगा जी की जो पावनता है, गंगा जी की जो स्वच्छता है, वो समाप्त होती जा रही है। मैं एक बात एबीपी के माध्यम से, क्योंकि एबीपी गंगा ने एक मुहिम चला रखा है गंगा की स्वच्छता, गंगा की निर्मलता, गंगा की अविरलता, वो लेकर के पूरी भारतीय परंपरा, क्योंकि मैं निरंजनी अखाड़े का आचार्य हूँ, हमारे प्रतिनिधित्व में हमारे 60 लगभग लाखों महात्मा रहते हैं, लाखों महात्माओं का नेतृत्व करता हूँ, लाखों महात्माओं का प्रतिनिधित्व करता हूँ। तो मैं पंचायती श्री निरंजनी अखाड़े के आचार्य होने के नाते मैं यह बात एबीपी गंगा के माध्यम से एबीपी गंगा को ये बता देना चाहता हूँ, एबीपी गंगा के द्वारा मैं पूरे संसार को बता देना चाहता हूँ कि मैं कैलाशानंद गिरी आचार्य महामंडलेश्वर पंचायती श्री निरंजनी अखाड़ा, मैं कटिबद्धता पर पूर्वक संकल्प लेता हूँ कि मैं अपने घाट पर गंगा निर्मल रखूंगा, स्वच्छ रखूंगा, पवित्र रखूंगा और गंगा को किसी भी गंदगी से दूर रखूंगा। अगर भारतीय संस्कृति को मैं देखूं तो गंगा हमारी प्राण है, गंगा हमारी प्राण पोषणी है, गंगा हमारी आत्मचिंतन है, गंगा हमारा विचार है, गंगा हमारी वैचारिक मानव मौलिक सिद्धांतों की धारा है। और गंगा के बिना यानी संगीत उसके ठाकुर जी का सुन रहा था, उन्होंने सब की बात की ये संगीत है, हमारी परंपरा सब प्रवाहित संगीत है, लेकिन गंगा उस समय विराट होगी, गंगा का धारा उस समय विराट होगा, गंगा उस समय स्थिर नहीं थी, गंगा उस समय शांत नहीं थी, गंगा में उस समय तो, इसलिए मैं भारत के उन लोगों से आग्रह करूंगा कि अब गंगा में आप सब विसर्जन न करें, आप गंगा में आप सौ का विसर्जन न करें, आप प्रतीकात्मक, आप गंगा में सौ का जो विसर्जन है वो प्रतीकात्मक करें, अच्छी विसर्जन कर दें, लाकर भस्म कर दें, और गंगा के सामने, क्योंकि गंगा आत्मनयोर मुक्ति ही, गंगा का जल आचमन कर मात्र से मुक्ति मिलती है, गंगा दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा को देखने मात्र से मुक्ति मिलती है, गंगा प्रसन्नार्थ मुक्ति, गंगा की जल से प्रक्षालन करने मात्र से मुक्ति मिलती है। जी आचार्य जी, आपने तो संकल्प ले लिया है और आपने ये संकल्प लिया है कि आप गंगा घाटों पर स्वच्छता बनाए रखेंगे और आपने लाखों आपके जो अनुयायी हैं उनसे भी यही अपील की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका एबीपी गंगा के साथ जुड़ने के लिए। और जो अगले खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं वो हैं